आंध्र प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडापाने क्षेत्र के भुजपुरा आशा गांव में हर साल की तरह इस साल भी देवी दर्शन मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और सभी ने देवी दर्शन कर रावण के दहन को देखा। रावण दहन के बाद काफी देर तक लोग जयकारों के साथ साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी के नजारों का आनंद लेते रहे, जिसमें बुराई की हार और अच्छाई की जीत रावण दहन कर दिखाई। दूर दराज से आई हजारों की भीड़ का जमावड़ा रहा। वहीं स्थानीय पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से कड़े बंदोबस्त किए। सभी ने शांतिपूर्ण इस मेले का आनंद उठाया और रावण दहन किया, जिसमें इस मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है और सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवी दर्शन किए। जी क्या नाम है आपका? वीर सिंह जी, क्या मेले का आयोजन किया जा रहा है, किस चीज का दहन किया जाएगा आज? रावण दहन ये 1958 से हमारा लगातार होता चला रहा है जी। 1958 में पहली बार स्थापना हुई, लगातार रामलीला हमारे यहाँ होती है, रावण वध होता है। कौन सी जगह है? भुजपुर आशा। किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ पे? ये व्यवस्था हमारी कमेटी की तरफ से, माता रानी की तरफ से जी। हम कोई चंदा नहीं करते हैं, सब माता रानी ट्रस्ट की तरफ से होता है जी। अच्छा, पिछली बार भी आपको बुलंदशहर के कुछ श्रद्धालु आए थे, उन लोगों को नशीला पदार्थ दे दिया था, कमेटी की भारी चूक दिखाई दी, इस बार किस तरीके की व्यवस्था है? ऐसे कुछ सारे इंतजाम कर लिया, सारे देख रहे, जो कमियां थी उन्हें सुधार दिए गए। कहाँ कहाँ के श्रद्धालु इस बार आए हुए हैं? श्रद्धालु अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ के आए हुए हैं, तो आज तो सुबह पता चलेगा कहाँ कहाँ के आए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल व्यवस्था है, अलर्ट है, सही है। कौन कौन से मंदिर हैं आपके यहाँ? हमारा प्राचीन माता का ही मंदिर है और नए मंदिर सब बात बने हुए। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? संदेश पब्लिक को यही देना चाहते हैं कि शांति से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखें, माता रानी के आवे, श्रद्धा से आवे, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, हम भी जो सहयोग हुआ वो करें। अपने भूजपुर आशा के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आने वाले मेले के लिए? आगे वाले मेले के लिए हमारे जगह कम है, दुकानों की व्यवस्था इस प्रकार दुकानदार ज़्यादा आ गए नहीं कर पाए, नहीं हो पाएंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कसरपाल यादव है, ग्राम प्रधान भूजपुरा सा जी। आज जो मेले का आयोजन चल रहा है, क्या मेले का आयोजन चल रहा है? हमारे विगत वर्षों के भारतीय दशहरे के मेले का आयोजन होता है और प्रतिवर्ष हम इस मेले का आयोजन करते हैं। ये दशहरे का मेला है, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक मेला है, प्रतिवर्ष इसका हम सफल आयोजन करते हैं। अच्छा, किसकी याद में ये मेला मनाया जाता है? ये मेरा तो सर बताया मैं आपको, मैंने बुराई पे जो अच्छाई की जीत हुई थी, श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, इसके उपलक्ष्य में हम उनकी याद में मनाते हैं इस मेले को। हम किस तरह की व्यवस्था है आपकी तरफ से? व्यवस्था हमारी कमेटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी काफ़ी व्यवस्था है, ACM साहब भी आए हुए हैं, लेखपाल साहब भी हैं, CO साहब भी भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है काफ़ी मात्रा में। आज क्या होने वाला है? आज यहाँ पर रावण का दहन होना है 10:30 बजे। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहें, गलत कामों से बचें, अच्छाई अच्छे काम करें, अच्छे काम कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का नतीजा आज सबके सामने है। जिससे अहंकार रावण को था, उसके का कहें भगवान राम ने उसका वध करा, उसकी जो पाप कर्मों का अंत किया था, इसी को हम मनाते चले आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से मंदिर हैं आपने यहाँ पर जो श्रद्धालु? यहाँ पर हमारे माँ दुर्गा का प्राचीन मंदिर है, लोग दशहरे के मेले पाते हैं, उसके उपरांत आने के बाद में सभी लोग दशहरे के मेले में घूमने के बाद सुबह को माता रानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाने के बाद सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है माता रानी। आने वाले मेले में किस तरह की व्यवस्था रखना चाहेंगे और क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक मेले में आएँ, अपनी माता बहन, हर किसी को अपनी माता बहन समझें, किसी के साथ कोई गलत नज़र से नहीं देखें, यही हमारा जनता से अपील है, पब्लिक से अपील है, सबको अपनी माता बहन के समान समझें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।